एक्स्ट्रा भाई लोग तो यहाँ पे डिस्काउंट मांगने जाते हैं कि मुझे कितना डिस्काउंट पड़ेगा, बट यहाँ पे इन्होंने 5,000 रुपये के आसपास अमाउंट जो है एक्स्ट्रा दिया था इस गाड़ी के लिए। तो दोस्तों आपने आपको एक छोटी सी जानकारी और आपको दे दें कि ये गाड़ी जमशेदपुर का है, जमशेदपुर में 5,000 एक्स्ट्रा दिए, धनबाद में 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा था। हाँ। घरेलू पर्पस में एकदम नहीं यूज होता है, काम वाम में ही यूज होता है। तो आप जान रहे हैं कोई भी गाड़ी अगर काम में चलता है तो कितना ज्यादा उसका यूज होता है, एकदम रफली चलता है, मतलब प्यार मोहब्बत से गाड़ी को तो हम कभी चलाया ही नहीं है, जैसा जरूरत वैसा यूज कर दिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये मारुति की सबसे ज्यादा सेलिंग किए जाने वाली गाड़ी मारुति ओमनी वैन है, बट अनफॉर्चुनेटली ये गाड़ी जो है डिसकंटिन्यू हो गया। बट आज भी इस गाड़ी का क्रेज इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। ये गाड़ी कितनी ज्यादा कारीगर है, आज मैं सीधे इसके ऑनर से मिलवाने वाला हूँ ताकि आपको बेहतर से बेहतर रिव्यू बता पाए, उनका ऑनरशिप एक्सपीरियंस क्या है। तो चलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें, इसे थोड़ा भी स्किप ना करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ओमनी वैन है ये अभी फिलहाल डिसकंटिन्यू हो चुका है, बट लेकिन ये जो गाड़ी है ना सेकेंड हैंड इंडस्ट्री में मींस यूज्ड कार में बहुत ज्यादा तहलका मचा कर रखी है। इतना का नया में नहीं आती थी ना, अभी अगर आप अच्छे कंडीशन में लेने जाएंगे ना तो उतना आपको पे करना पड़ेगा। पर क्यों, क्या बात है? तो चलिए मैं सीधे इस गाड़ी के ऑनर को बुलाना चाहूंगा। तब तो मिस्टर बिलाल प्लीज आप फ्रेम में आ जाइए। तो हेलो। हेलो भाई। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेरे बहुत खास मित्र भी हैं, एंड सबसे पहले अपना नाम एक बार इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमडी बिलाल हसन और मैं काफ़ी सालों से इस गाड़ी को मैं यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ में, क्योंकि ये गाड़ी ऐसा मतलब कहने को है ये प्राइवेट गाड़ी, बट आप टोटली इसको कमर्शियली पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। अभी बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ तो ठीक है। अभी सबसे पहले बताइए, ये गाड़ी आपने परचेज कब किया था? परचेज मोटा मोटी 5-6 साल तो हो गया होगा। 5-6 साल मतलब आई थिंक 2019 के आसपास आसपास है ना? तो मींस 2019 में लगभग ये डिसकंटिन्यू हुआ था, तो जस्ट उससे आप पहले एकदम जिस जब डिसकंटिन्यू हो गया था, ऑफिशियली डिसकंटिन्यू ये गाड़ी हो चुका था, यानी जो भी मॉडल अवेलेबल था सिर्फ शोरूम में अवेलेबल था उस समय ये गाड़ी को हम परचेज किए एक्स्ट्रा पैसा पे करके। अच्छा, एक्स्ट्रा पैसा पे, एक्स्ट्रा पैसा। तो क्या उस समय आपको डर नहीं लगा कि ये गाड़ी तो डिसकंटिन्यू हो गया, क्या होगा इन फ्यूचर, पार्ट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होना होगा, सर्विस में कोई इशू आएगा? तो नहीं, ऐसा कुछ भी डर नहीं लगा, जरा भी नहीं लगा, क्योंकि ये गाड़ी हमको उस समय भी पता था और अभी भी पता है कि ये गाड़ी का कोई भी पार्ट एकदम इजी अवेलेबल, क्योंकि इतना गाड़ी है ये मार्केट में, ये गाड़ी इतना ज्यादा है मार्केट में और अभी चल ही रहा है। इवन बहुत सारा जो गाड़ी का ऐसा होता है खराब हो जाता है तो उसमें इधर उधर कुछ भी करके उसको बना करके लोग चलाते हैं इस गाड़ी को। हाँ हाँ, ये चीज बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली होता क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई जरूरी नहीं कि पार्ट्स को रिप्लेस ही करें, कई बार उसको बनाया भी जाता है। तो उस केस में ये क्या है ना कि आप कहीं पे भी जाके इसका काम करवा सकते हैं, सर्विस करवा सकते हैं, ये बन जाती है इवन बहुत ही कम खर्चों में। तो जैसे कि आपने बताया कि इसमें एक्स्ट्रा पैसा पे किया था, कितना एक्स्ट्रा आपने दिया था? जो शोरूम का जो प्राइस था उस समय का दोस्तों उतना पर्टिकुलर मुझे याद नहीं है, बट जो शोरूम का प्राइस था वही मुझे लगा था एक्स्ट्रा, मुझे 5,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ गया था, क्योंकि ऑलरेडी ये गाड़ी कोई और बुक कर चुके थे। तो उसके कारण मुझे 5,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ गया था, क्योंकि वो लोग एडजस्ट करके, मतलब उतना हम प्रॉपरली नहीं बता सकते हैं, पर इतना समझ ली कि वो लोग जो शोरूम वाले हैं वो इधर उधर कुछ कर करके ये गाड़ी मुझे दिए। तो देख सकते हैं काफी ज्यादा क्रेज था कि एक्स्ट्रा, भाई लोग तो यहाँ पे डिस्काउंट मांगने जाते हैं कि मुझे कितना डिस्काउंट पड़ेगा, बट यहाँ पे इन्होंने 5,000 रुपये के आसपास अमाउंट जो है एक्स्ट्रा दिया था इस गाड़ी के लिए। तो आपने एक छोटी सी जानकारी और आपको दे दें कि ये गाड़ी जमशेदपुर का है, जमशेदपुर में 5,000 एक्स्ट्रा दिए, धनबाद में 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा था। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं JH5 नंबर है, बेसिकली हम लोग धनबाद से रहने वाले हैं, ये भाई साहब भी धनबाद के ही रहने वाले, बट जो नंबर है वो जमशेदपुर का है, टाटा जमशेदपुर का। तो वहां से जाके आपने गाड़ी को जी वहाँ पे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा था, जबकि धनबाद में उस समय मुझे 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा, और मेरा भाई भी उस समय वहीं पे था, उसी के दोस्त के थ्रू ये गाड़ी लिए थे, तो इसलिए मुझे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। बहुत बड़ी बात है। तो आपने तो लगभग लगभग 4 से 5 साल इसको कंटिन्यू चलाया है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इसका? दोस्तों आपकी बात बता सकते हैं, अगर आप कोई भी बाइक कैरी करते हैं, कोई भी बाइक अगर आप रखते हैं, नॉर्मल सा, एकदम कोई प्रीमियम कोई हाई फाई नहीं, कोई भी एक नॉर्मल बाइक रखते हैं, और उसका जो भी अगर आपका क्वार्टरली जो खर्च है उतना ही खर्च में ये गाड़ी में रख रहा हूँ, यानी 5-6 सालों में ये गाड़ी उतना ही मुझे मेरे जेब पे असर डाल रही है जितना एक कोई बाइक रखेंगे उतना जो असर डालेगा उतना ही, यानी एकदम अफोर्डेबल, मतलब अफोर्डेबल से भी अफोर्डेबल।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे सस्ती 8 सीटर गाड़ी आज तक कोई दुनिया में लॉन्च ही नहीं है गाइस, मैं एकदम रियली बता रहा हूँ, इससे सस्ती कोई भी सस्ती नहीं, मोस्ट अफोर्डेबल आप कह सकते हैं, इससे कम दाम में कोई भी 8 सीटर गाड़ी आज तक इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, इंडियन का इवन वर्ल्ड वाइड में कोई भी लॉन्च नहीं हुआ। तो और बहुत ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं इस गाड़ी को, बहुत सारे इंडियन फैमिलीज का एक तरफ से जान है, एक मेंबर्स बन चुका है। तो आई मीन एवरेज में आपका क्या सर्विसिंग कॉस्ट आता था इस गाड़ी को मेंटेन रखने के लिए? दोस्तों ये गाड़ी क्या एकदम मस्ती में चला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मेरा आइसक्रीम का काम है, तो बहुत सारा इवन उसके अलावा और भी बहुत सारे काम है, बहुत सारा चीज़ों में यूज़ होता है, बेसिकली घरेलू पर्पस में एकदम नहीं यूज़ होता है, काम वाम में ही यूज़ होता है। तो आप जान रहे हैं कोई भी गाड़ी अगर काम में चलता है तो कितना ज़्यादा उसका यूज़ होता है, एकदम रफली चलता है, मतलब प्यार मोहब्बत से गाड़ी को तो हम कभी चलाया ही नहीं है, जैसा जरूरत वैसा यूज़ कर दिए, उसके बावजूद भी कोई खर्चा ही नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया, देखिए काफ़ी टाइम हो गया है, अभी अगर सर्विस का टाइम हो गया, गए हैं थोड़ा बहुत मोबिल चेंज हुआ, थोड़ा बहुत ग्रीसिंग वगैरह हुआ, एकदम मतलब एक कोई खर्चा नहीं है। अगर आप एक बाइक का खर्चा कराते हैं तो 1000-2000 रुपया खर्चा गिरता है, 1000-2000 रुपया 3000 रुपया इसमें खर्चा गिरता है। बहुत ज़्यादा कुछ अगर आप करवा दिए हैं, एकदम बहुत खुश हो गए आप, तो बहुत ज़्यादा कुछ करवा दिए इसका तो 5000 रुपया खर्चा गिर जाएगा, लेकिन वो भी नहीं, 2-3000 रुपया कभी उससे ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला है, तो इस तरह का है ये। तो बहुत सही बात कहा है, क्योंकि मारुति की गाड़ियों में कुछ होता नहीं है, इंजन में सबसे लो मेंटेनेंस गाड़ियां होती है, जितने भी आप वैन सेगमेंट देख लिया या फिर अल्टो वगैरह जितने भी कोई भी मारुति की गाड़ी ले ले, लोग इसीलिए उसको ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली होता है। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि इस गाड़ी से उसने बहुत सारे कामों में यूज़ भी किया है, इनफैक्ट उसने अपने बिजनेस के कामों में ज़्यादातर यूज़ किया, फैमिली पर्पस में बहुत कम यूज़ किया है, फिर भी इस गाड़ी में कोई भी खास वैसा मेजर कोई भी काम अब तक का कोई वैसा काम हुआ है 5 सालों के अंदर में कुछ मोटा खर्चा आपको लग रहा है? कोई भी ऐसा मोटा खर्चा नहीं हुआ है दोस्तों, कोई भी ऐसा कोई मेजर इंजन से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो कूलेंट चेंज करवा देते हैं, मतलब वो भी कब, जब आप देख लिए कि बहुत ज्यादा ये हो चुका है, कूलेंट काफी कम हो गया है, तब मतलब मोबिल वोबिल जो एकदम जनरल काम है अगर आपको वो करवाना है, वॉशिंग वगैरह करवाना है, तो वही सब, बाकी इसमें कोई ऐसा मेजर कोई खर्चा है ही नहीं है। तो रियली में, और आप देख सकते हैं एकदम लास्ट का जो सेफ था ना, न्यू सेफ वाली वही है, और ये शुरू से ही स्टार्टिंग से लास्ट तक ऐसे चल रहे हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये गाड़ी का बंद करने का बस एक ही मकसद था, जो BS6 का नॉर्म जो 2019 में जो BS6 लागू किया था वो नितिन गडकरी जी के वजह से, जो सेफ्टी फीचर्स के वजह से, तो इसमें वो गाड़ी जो है कम्पीट नहीं कर पा रही थी, इसमें वो सारे सर्विस एड ऑन नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण सेफ्टी फीचर्स ना होने के कारण इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू किया गया, जिसको आप देख सकते हैं आगे में कुछ भी वैसा नहीं है जहाँ पे वो ABS वगैरह लगा सके, जहाँ पे वो एयरबैग वगैरह लगा सके, कुछ भी आगे में बॉनेट वगैरह थोड़ा भी स्पेस नहीं है। तो ये गाड़ी जब क्रैश होती थी तो उसमें थोड़ा भी पैसेंजर सेफ्टी नहीं होती, इसके वजह से इस गाड़ी को बंद करना पड़ा। बट एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि इस गाड़ी में आज भी बहुत सारे लोग इसके शौकीन हैं, बहुत सारे लोग इसके वजह से इसका घर भी चल रहा है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का, और आज जिसका जो भी ये गाड़ी फुलफिल कर सकती है ना जो नीड को, वो दूसरा कोई भी गाड़ी फुलफिल नहीं कर पा रही है, ये बात हकीकत है। तो चलिए चलते हैं अंदर एंड इसका थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाते कि ये इस गाड़ी दिखने में कैसी थी, अंदर से चलाने में कैसा है। तो चलिए मैं बहुत दिनों के बाद आज फिर से ओमनी चलाने वाला हूं, आपको रिव्यू देते हैं, तो चलिए एक बार इसका टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं। तो कुछ इस टाइप की आपको इंटीरियर देखने को मिलेगी, डैशबोर्ड बहुत ही छोटे से आपको देखने को मिलेगा, और ये रहा नॉर्मल सा कीज, कोई भी इसमें सेंटर लॉकिंग वगैरह कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से आता है, क्योंकि कंपनी का जो मोटिव था कि एकदम मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ी बनाना, सिर्फ गाड़ी बनाना, ज्यादा उसमें अगर फीचर्स देंगे तो उसका कॉस्ट जो है बढ़ते चला जाएगा, इसीलिए एकदम बेसिक सा चीज दिया, इसमें कुछ भी नहीं दिया, इसमें इनफैक्ट AC तक नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हीटर आता है, अभी खुला हुआ है कुछ कामों की वजह से, बस सिर्फ और सिर्फ हीटर आता है और कुछ भी AC वगैरह नहीं आता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और ये पूरा का पूरा प्रॉपर मैनुअल गियर है, और ये इकलौती 4 गियर वाली गाड़ी जो आज भी ओमनी जो है कैरी कर रहा था 4th गियर बॉक्स, और ये टोटल हाइड्रोलिक स्टीयरिंग रहता, सॉरी मैनुअल रहता, हाइड्रोलिक भी नहीं रहता। तो देखिए आज भी एक सेल्फ में गाड़ी जो है स्टार्ट हो गया है, तो आज भी तो एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए ये इसका हैंड ब्रेक है, बहुत ही यूनिक टाइप का है, तो चलिए चलते हैं यहाँ से। थोड़ा सा आपको हार्ड जरूर लग रहा है, ये स्टीयरिंग हार्ड जरूर है, लेकिन जैसे ही गाड़ी जो है मूवमेंट हो जाती है ना, गाड़ी एक बार जब मोमेंटम में आ जाती है तो जो स्टीयरिंग है, जैसे ही गाड़ी जो है मोमेंटम में आ जाती है तो जो स्टीयरिंग व्हील है वो एकदम ज्यादा लाइट हो जाती है। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा हेड है वो एकदम थोड़ा सा बचा हुआ, जस्ट मेरा जो हाथ वही पार हो पाता है, उससे ज्यादा आपको ज्यादा हेडरूम नहीं मिलेगा, बट सफिशियंट जितना मिलेगा वो आपके लिए काफी है, आपका काम हो जाएगा।
और एक चीज मैं बता दूं, ये इकलौती गाड़ी है जो इतनी कम प्राइस में भी आपको है रियर व्हील ड्राइव ऑफर करती है, क्योंकि इसका जो इंजन है वो इसके नीचे सीट के नीचे, एंड जो इसकी जो पहिया है जो इंजन से कनेक्ट है वो रियर साइड की है, ना कि फ्रंट। तो जितने भी जो रियर साइड वाली गाड़ियां होती है ना, चाहे आप उसको पहाड़ पे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, वो गाड़ी कभी भी आपको निराश नहीं करेगी। इसीलिए इस गाड़ी में जितना भी माल कितना भी सामान लाद दो, ये गाड़ी एकदम गधा का जैसा धोते रहेगी। तो ये बहुत अच्छी है, देख सकते हैं। एंड जो इसका गियर रेशियो वो बहुत ज्यादा है, मीन्स आप दो नंबर में काफी स्पीड तक ले जा सकते हैं गाड़ी को, थर्ड में और ज्यादा खींच सकते हैं, फोर्थ लास्ट गियर है, चूंकि इसमें पांच गियर है नहीं, सिर्फ चार ही गियर है, तो जो गियर का रेशियो होता है वो स्पीड बहुत ज्यादा वो दे सकता है आपको, मीन्स कम गियर में बहुत ज्यादा दूर तक गाड़ी को खींच सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एंड देखते हैं ये गाड़ी जो है खराब रास्तों में कैसे परफॉर्म करती है, चूंकि खराब रास्ते इसके लिए थोड़े से आपको प्यार से उतारना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके सस्पेंशन है वो लीफ वाली है, आपने देखा होगा वो पत्ती जैसे पीछे में लगा हुआ रहती है, तो उसमें आपका क्या होता है ना कि वो जो है हेवी लोड के लिए कैपेबल होता है, जितने भी ट्रक्स वगैरह में आप देखेंगे वो लीफ कॉइल वाले सस्पेंशन रहते हैं, लीफ वाली जिसको पत्ती कहते हैं, तो इसमें भी वही वाला सस्पेंशन है, तो ये हेवी लोड के लिए काफी कारीगर होती है, बट जो है उसका जो सस्पेंशन का जो फील है वो थोड़ा सा आपको बाउंसी लगेगी, थोड़ा सा लगेगा आपको पटक रहा, तो खराब रास्ते में आपको प्यार से निकालना पड़ेगा, अदरवाइज और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पिकअप की बात करो तो ये गाड़ी पिकअप तो जबरदस्त है भाई, जितनी भी रियल ड्राइव वाली गाड़ियां होती है ना वो फन टू ड्राइव होती है, तो इसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। रियली में यार, मतलब बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी जिसको बोल लो, जिसको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी से चाहिए था वो इस गाड़ी के लिए सही में क्यों ज्यादा पागल है, क्यों ज्यादा इसको लोग पसंद करते थे, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है। मुझे नहीं चाहिए फालतू की फीचर्स, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो ये गाड़ी में मिल जाता था, लोग इसीलिए इसको खरीदते भी थे, क्योंकि अभी के टाइम में जितना आप पैसा लगाएंगे, आपने देखा होगा कि 6 लाख का बेस मॉडल स्टार्ट होता है और उसका टॉप मॉडल 12-13 लाख इवन डबल हो जाती है, एक एक गाड़ी में बहुत सारे ऐसे मॉडल आपको देखने को मिल जाएगी जिसका 20-20 वेरिएंट तक आता है, तो उसमें क्या होता है कि जहां पे 6 लाख सपोज स्टार्ट है तो उसका टॉप मॉडल 18 लाख तक भी गया है, ऐसा भी है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, तो इस गाड़ी में आपको वैसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस पूरे कंक्लूजन में यही आता है कि अगर आपको इसका रिक्वायरमेंट है ना तो आप यूज्ड गाड़ी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहां भी आप लें तो कोशिश करें कि न्यू सेप वाली लें, न्यू मॉडल मिले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। गाइस एक चीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, किन किन लोगों के पास ये गाड़ी आज भी है या किन किन लोग ने आज तक इसको चलाया भी है और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो मुझे कमेंट करके जरूर शेयर करना, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।